ये दोस्तों प्लेटफॉर्म के करीब अल्लाह नाम लिखा हुआ है पौधों से, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों प्लेटफॉर्म के उस तरफ चलते हैं और लोकोमोटिव दिखाता हूँ मैं, हीट स्टीम। पर आ गया दोस्तों, इंजीनियरिंग कराची 1917। ये तामीर है ब्रिज, प्लेट एक प्लेट फार्म से दूसरे फार्म जाने के लिए। प्लेटफार्म के उस तरफ आ गया दोस्तों, और ये अल्लाह नाम जो लिखा है वो करीब से देखते हैं, फिर लोकोमोटिव की तरफ चलते हैं। बिल्कुल अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये देखें दोस्तों, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। एक गाड़ी आ रही है, उसको शूट करके फिर आगे लोकोमोटिव की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी आ रही है, टंडो आदम स्टेशन से गुजर रही है। HGMU-30R 8214 लोकोमोटिव के साथ मालगाड़ी। ये देखें दोस्तों, ये चिंची कैसे लेके जा रहा मालगाड़ी ने भी स्पीड पकड़ ली। और ये रहा दोस्तों हीट स्टीम लोकोमोटिव, जो ये पहले के दौर में चला करते थे, जब पाकिस्तान बना था तो ये चलना स्टार्ट हुए थे, और ये बहुत अपने दौर का कदीमी देव लोकोमोटिव कहलाता है। और इसके टायर आप चेक कर सकते हैं, आगे छोटे छोटे लगे हुए हैं और पीछे बड़ा, काफ़ी बड़ा है, इंसान के कद के इतना, 6 फीट का टायर है तकरीबन, 5.5-6 फीट। और ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, कोयले से चला करते थे ये, कोयला डाल के। इसके साथ ही ये मीटर गेज की बोगी खड़ी हुई है, कोच है, बहुत पुरानी कदीमी टंडो आदम पे। और दोस्तों ये आप ट्रैक का अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, ये छोटा लग रहा होगा ट्रैक, ट्रैक की चौड़ाई, तो अभी मैं बताता हूँ आपको ये क्यों छोटा है। पहले जो है मीटर गेज की लाइन हुआ करती थी, तो ये मीटर गेज की लाइन कहलाती है, इसलिए 1 मीटर की होती है।
ये देखें दोस्तों, ये 1 मीटर की लाइन है, ट्रैक है। ये मीटर गेज पे चलते थे लोकोमोटिव और इसके साथ कोचिस। दोस्तों मज़े की बात, आपने भिटशा का नाम तो सुना होगा, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से वाकिफ़ होंगे आप। सूफ़ी बुज़ुर्ग थे वो, बहुत उनके मज़ार पर रश होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हाज़िरी देने। तो भिटशा में एक दफ़ा मैं गया था, तो अंदर गांव की तरफ, तो वहाँ पे मुझे पटरी नज़र आ रही थी। तो मैंने वहाँ के रिहायशियों से पूछा कि पटरी कैसी है, यहाँ पे तो कोई स्टेशन नहीं है। तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ का हाला का भिटशा का स्टेशन हुआ करता था, हाला का स्टेशन। तो मैंने देखा था बकायदा, वो काफ़ी बुरी हालत में था, जल गया था, जला दिया गया, पता नहीं क्या मसला था। बहरहाल 30-40 साल 50 साल पहले चला करती होंगी ट्रेनें वहाँ पे, तो मीटर गेज की लाइन ये वहाँ तक जाती थी, या टंडो आदम से आला तक जाती थी। 4-5 इसके ब्रांचेस निकलते थे, और इसलिए ये जो है टंडो आदम जंक्शन के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलती थी मीटर गेज की लाइन, क्योंकि हाला जाती थी फिर वहाँ से नवाबशाह। ठीक है दोस्तों, तो टंडो आदम से ब्रांचेस निकलती थी, ब्रांच लाइन मीटर गेज की ब्रांच लाइन निकलती थी टंडो आदम जंक्शन से, हाला, सकरण जंक्शन, थारू शाह जंक्शन, पडीडन जंक्शन, फिर मेहराबपुर तक जाती थी ये ब्रांच लाइन मीटर गेज की। बड़ी ख़स्ता हालत में है दोस्तों ये कोचिस, और मीटर गेज की है, ज़ाहिर सी बात है अब तो ये नहीं चलेगी, क्योंकि ट्रैक ही नहीं है इसका, सारा ट्रैक चेंज हो गया मीटर गेज का, तो अब ट्रैक ही नहीं है। तो बोगी वोगी लेकिन अभी सही सलामत लग रही है नीचे से, लेकिन ऊपर से इसकी बॉडी जो है वो सारी गल गई है। टंडो आदम जंक्शन, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। टंडो आदम का पहला फाटक है दोस्तों ये, और काफ़ी मसरूफ़ फाटक है ये, यहाँ से जब से मैं आया हूँ गाड़ियाँ गुजरी जा रही हैं। तो ये शहर की तरफ जाता है रोड टंडो आदम, यहाँ पे शकरकंदी वाले फाटक की तरफ बैठे हुए हैं, कुछ डॉग्स के बच्चे भी हैं, पपी। और ये आप देख सकते हैं फाटक काफ़ी मसरूफ़ लग रहा है, गाड़ियों का आना जाना मुसलसल। दोस्तों शकरकंदी 1 किलो लेते हैं टंडो आदम की, ट्राई करके देखते हैं कैसी है। बता रहे थे मैंने क्या मुनासिब करे तो 80 रुपये लगा रहे हैं, काफ़ी मुनासिब नहीं बन। जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा इंशाल्लाह। हैदराबाद से लेकर टंडो आदम तक का सफ़र किया मैंने, तो इस सफ़र को यहीं पे, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये सफ़र, और अपनापन के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।